सुनो, मेरा एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन तो बहुत है, पर हमेशा लगता है बहुत मुश्किल है। कैसे सीख पाऊंगी? अरे कुछ मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन सीखो ना आचार्य लोकेश धमेजा से मॉडर्न प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अब आते हैं सबसे खतरनाक, हमारा जो प्लैनेट होता है राहु। हर बंदा राहु की ज्यादा पूजा कराता है और उपाय कराता है। तो राहु खाना नंबर एक में राहु प्लस सूर्य और राहु प्लस मंगल। तो राहु प्लस सूर्य से समझ में आ रहा है कि ब्रेन में राहु आ गया, तो यहां पर राहु दिक्कत क्रिएट करेगा। तो राहु सूर्य का मतलब हो गया नीच का सूर्य बन गया कुंडली के अंदर। जैसे नीच का सूर्य रिजल्ट देता, समझ लो यहां से रिजल्ट देने वाला। तो सूर्य ग्रहण बन गया, माथे पर या चेहरे पर काले रंग का कोई तिल मिलेगा, आपके फेस के ऊपर आ सकता है राहु के ऊपर। घर के सामने या तो कोई उजड़ा मकान होगा, पार्क होगा, कोई खाली मैदान पड़ा होगा, कोई खंडर हो सकता है, कोई इस टाइप की चीज हो सकती है, या मकान नहीं भी होता। और मकान अगर कुंडली मतलब होता भी, अगर राहु लगन वाला हो कि मकान बना हुआ है, तो उसके घर के जो लोग होते हैं वो पनपने में नहीं होते, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो उनको फाइनेंशियल दिक्कत होती है, या कोई बच्चे की दिक्कत होती है, या कोई हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम होती है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके घर के आगे जो मकान है राहु लगन वालों का, वो ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, आमतौर पर मिलता ही नहीं, ये भी एक सिम्टम हो गया। अब राहु अगर लगन में आया तो कुंडली में सूर्य जहां पर भी होगा उस घर के फल खराब कर देगा और ग्रहण बना देगा। तो एक सिम्टम इनका और गया कि एक स्थान पर टिककर ये काम नहीं करते, बदलते रहते। और लगन में राहु है ना, तो प्लानिंग तो लगी रहेगी 24 घंटे। बहुत अधिक और निरर्थक बातें बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला और गलत बोलने वाला, गाली गलौज भी कहीं ना कहीं निकल जाती है, हालांकि दूसरे में आती है बट माइंड में रहती है इनकी। और कहीं ना कहीं एग्रेशन, एग्रेसिव स्वभाव और मैनिपुलेटिव कह सकते हैं वो स्वभाव इनका रहता है। अच्छा से देखो, कहते जन्म के समय नाना नानी जीवित होते और जन्म के बाद ननिहाल तरक्की करता है। परिवार को पालना करने वाला और अच्छी तरीके से परवरिश करने वाला, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट प्लेनेट है और सूर्य के घर में आया है, हालांकि ज्यादातर नेगेटिव रिजल्ट देता है। रंग इसका सांवला होता है, जिसका भी कुंडली में हो रंग थोड़ा सांवला होगा। मंदा असर, जन्म के समय तूफान बिजली या किसी भी टाइप का, जैसे ना बादल गरज रहे और कड़कना। नानी या ननिहाल में कोई व्यक्ति इनका हॉस्पिटल में होता है जब बच्चे का जन्म होता है। नास्तिक और शैतान दिमाग वाला, केतु अब मंदा असर देगा और सरकार से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आती ही रहेगी, गवर्नमेंट सेक्टर से प्रॉब्लम रहेगी। मंगल अगर दसवें घर में हो और दूध बल का अगर गिरता हो तो कहते धन की हानि होगी। हालांकि मंगल का कनेक्शन दसवें घर से ही होता है, तो यहाँ पर चंद्रमा को खराब नहीं करते हैं, वो आगे बताएंगे आपको। काने जो हमारा कोने का मकान है वो मतलब समस्या देता है, और आमतौर पर राहु लगन वाले को मना करते कि कोने का मकान नहीं लेना चाहिए। घर के अंदर घुसते ही या तो टॉयलेट मिलेगा या तीन दरवाजों की एंट्रेंस होगी। राहु लगन में होगा तो ईस्ट कहीं ना कहीं डैमेज मिलेगा। ईस्ट में कोई सेप्टिक टैंक हो सकता है, ईस्ट में कोई ना कोई टॉयलेट हो सकता है, कोई नाली हो सकती है, या जैसे आप घर में एंटर करते हैं तो एंटर करते कॉरिडोर मिलेगा और आपको सबसे पहले टॉयलेट मिलेगा, ये भी इसकी निशानी। या मकान की जो एंट्रेंस होगी ना वो तीन टाइप से होगी, या तीन गेट कनेक्टेड होंगे, या तीन तरीके से हो सकता है, या तीन खिड़कियां इकट्ठी बनी होंगी। ये कहना कि सिम्टम है, पूछ सकते हो मिलेगा, ये नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, नेगेटिव सिम्टम है। छत पर कबाड़ अक्सर रहता है, इनको निकाल देना चाहिए। और सूर्य अब जिस भाव में होगा उस भाव को ग्रहण लगा देगा। सूर्य आठवें घर में होगा तो बिना वजह ही खर्चे होते रहेंगे। व्यक्ति कार्य में तब्दीली करता है या नौकरी में तब्दीली होती रहती है। परहेज सबसे बड़ा, घर के आंगन में धुआं नहीं करना चाहिए, और आम तौर पे इनके घर के जो आंगन या बालकनी होती है वहां कोई ना कोई धुआं आता ही होता है, या तो कोई वो जल रहा होता है जैसे लुवान टाइप जल रहा होगा, या किसी ढाबे का धुआं कोई ना कोई आता है, तो धुआं नहीं आना चाहिए, ये नेगेटिव है। इनको घर में भी ज्यादा धुआं नहीं करना चाहिए। घर में कोई ताजमहल का स्टैचू हो गया, टूटी हुई मालाएं हो गया, हाथी के खिलौने, ये नहीं रखना चाहिए, जबरदस्त परहेज है। और शादी के बाद ससुराल से बिजली का सामान या नीले कपड़े अवॉइड ही करना चाहिए, और गिफ्टिंग भी इनको नहीं लेनी चाहिए, खासतौर पे बिजली के सामान की। अब इनके उपाय देखो। सबसे पहला उपाय, चांदी की चेन हम गले में डालें। चांदी का चकोर टुकड़ा राहु को मंगल जो है वो कंट्रोल करता है, यानी कि मंगल महावत है, राहु हाथी है, तो महावत को लेके आएंगे कि कंट्रोल करेगा। तो चकोर टुकड़े का मतलब हो गया मंगल, और चांदी का मतलब हो गया चंद्रमा। तो हाथी अब पानी में जाएगा तो शांत हो जाएगा।
आती है पानी में जाएगा तो अब शांत हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो अपनी उदंडता निकल आएगा। तो चांदी का चकोर टुकड़ा गले में कुंडल डलवा सकते हैं, नॉर्मल उपाय। हमने मारतंड यंत्र आपको बताया, मारतंड यंत्र में मंगल का भी यंत्र होता है, चांदी भी होता है, एकाची भी डालिए जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इनफैक्ट मेरे पास राहु लग्नी कोई आ जाए, राहु लग्नी बोल रहा हूं मैं, आरएल बोल सकते हैं, अगर कोई आ जाए तो मैं पहले उनको यंत्र डलवाता हूँ फिर बाद में कंसल्टेशन, क्योंकि राहु लग्न वाले थोड़े झूठे भी होते हैं ना, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी है, आजकल मैनिपुलेशन वाला बंदा इंटेलिजेंट है, तो इनको समझाओगे तो समझेगा नहीं, तो इसलिए पहले कंट्रोल करते हैं ताकि ये बात को समझ जाए और कराते हैं। तो मारतंड यंत्र आप अपने प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, नहीं तो चांदी का स्क्वेयर पीस भी आप यूज कर सकते हो, दोनों दे सकते हो। चांदी की चेन गले में डलवाना, ये भी बड़ा अच्छा उपाय है, जिससे राहु भी कंट्रोल होगा क्योंकि चांदी आपके गले के अंदर आ गई है। तो ये तीन चीजें हमारे पास सबसे बड़ी है। इसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही हो, या पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जितने भी पुराने व्यापारी थे वो बिल्ली की जेर, बिल्ली का जो गर्भ होता है उसको रखा करते थे, उसको जेर बोलते हैं। अभी भी पुराने जैसे नया बाजार, खारी बावली वगैरह में जाओगे ना तो सबने रखी होती है, तो ये भी अच्छा उपाय है, क्योंकि गर्भ जो होता है वो पूरा चंद्रमा होता है बिल्ली का, और बिल्ली क्या करती है, खा जाती है, जैसे बच्चा देती है ना अपना जो उसका होता है जेर खा जाती है, मिलते नहीं है आजकल, चाइनीज मिल रही है, असली मिल जाए तो रखी जा सकती है। इसको रखने का तरीका क्या है, खाकी कलर का आपको कपड़ा लेना है, खाकी कलर होता है जो पोस्टमैन का होता है, पुलिस वाले का होता है, और हनुमान जी का ऑरेंज वाला सिंदूर, वो चरणों से उनके लिए लेना है वैसे ले लेना, और बिल्ली की जेर को सिंदूर डाल के खाकी कपड़े में लपेट के चांदी की डब्बी में डाल के उसको लॉकर वॉकर में आप रख सकते। ये वैसे कोई भी रखे तो कोई नुकसान नहीं है, आर्थिक आर्थिक स्थिति के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा रहता है क्योंकि कंट्रोल हो जाता है, फाइनेंशियल के लिए भी अच्छा रहता है, और यहाँ उसकी जो बुद्धि होती है वो अच्छी काम करने लग जाती है, तो उपाय भी यूज हो जाता है और बढ़िया हो जाता है, गुड उपाय किया जा सकता है। लेड पानी में प्रवाह करें, लेड का जब भी हम उपाय करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। लेड के बारे में भी एक चीज बताते हैं, राहु की जो वस्तु होती है वो लेड होती है, यानी कि रांगा, और रांगा सबसे पावरफुल उपाय होता है। अभी हम राहु 8 में आएंगे, 11 में आएंगे ना, तो राहु बहुत खराब करता है, तो हमें उस सिचुएशन को निकालने के लिए लेड को जल में प्रवाह करना। देखो तो जैसे ही लेड को हम जल में प्रवाह करेंगे ना, तो चौथे घर के अंदर राहु का तासीर आएगा, राहु का एक तरीके से असर देखने को मिलेगा, तो राहु तो शांत हो गया क्योंकि पानी में चला गया, लेकिन चंद्रमा खराब हो जाएगा क्योंकि लेड क्या करेगा, विषैला होता है और चंद्रमा को खराब भी करता है। तो अब यहां पर यह देखना है कि अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा कुंडली में उस समय वर्ष भर में खराब हो या कुंडली में दिक्कत दे रहा हो, तो लेड का उपाय सोच समझ के कराना चाहिए, बट फिर भी हमें कराना पड़ता ही है क्योंकि बंदा परेशान होता है। तो क्या करें, लेड वाला उपाय कराने के बाद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उनको बोलना चाहिए थोड़ा सा दूध, चावल या खाली दूध जल प्रवाह कर दो, यानी कि चंद्रमा की पावर भी साथ में और पावरफुल कर दो बड़ा, तो दिक्कत नहीं आएगी। या एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन लिखो कि अगर सूर्य वर्ष फल में चौथे घर में हो तो लेड का कोई उपाय नहीं करना, अगर लेड का उपाय किया तो या तो हार्ट की ट्रबल या फादर को कोई हार्ट की ट्रबल या फादर को दिक्कत आ जाएगी या गवर्नमेंट सेक्टर से प्रॉब्लम आ जाएगी, करके देख लेना। किसी को लगे ना लाल किताब में कुछ नहीं होता, तो मैं कहता हूं करके देख लेना, मैंने सूर्य अगर चौथे घर में हो वर्ष फल में, लगन कुंडली की दिक्कत नहीं, लगन कुंडली में आ तो जीवन भर रहने वाला, तो वर्ष फल में अगर आ जाए, या कभी कोई ऐसा उपाय करना तो गोचर को भी, 1 महीने के लिए गोचर रहता है देख सकते हैं, ज्यादा कंसीडर गोचर को नहीं करते, लास्ट में गोचर की कहानी भी पूरी बताऊंगा, उपाय यही है बट करने कैसे है। तो लेड अब बार बार आएगा तो ये वाला आपको याद रखना है कि जब भी कभी लेड किसी क्लाइंट को आप बोलोगे तो सूर्य देखना, पता लगे उसका राहु तो ठीक करा दिया, फादर को दिक्कत होगी, हार्ट को दिक्कत होगी, तो लाल किताब के उपाय करते ना गड़बड़ करते हैं, वो इसलिए गड़बड़ करते हैं। और जब भी लेड का उपाय करवाओ तो अगले दिन 2 दिन बाद बोले दूध जल प्रवाह कराए, क्योंकि चंद्रमा जो लिक्विडिटी है, हमारा रुपया पैसा जो है ना वो सब चंद्रमा है, मन हमारा चंद्रमा है, माँ हमारी चंद्रमा है, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे हमारे अंदर का प्रभाव भी कर पड़ जाएगा। तो लेड वाला उपाय राहु लगन में भी हम कराते हैं, कोयले का उपाय भी कराते हैं, अगर हेल्थ वेल्थ खराब हो तो कच्चे कोयले भी जल प्रवाह करा देते हैं, बट मैं अवॉइड करता हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीजें साथ साथ बताता जा रहा हूँ। मारतंड यंत्र इसमें IMP उपाय है, चांदी का चकोर टुकड़ा IMP उपाय है, गेहूं के आटे में जो मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही, 1 किलो जो लेकर कच्चे दूध का छींटा लगाकर जल प्रवाह करें, ये राहु का जबरदस्त उपाय है, कभी भी राहु परेशानी करे या कोई भी दिक्कत है तो किया जा सकता है। नारियल यानी कि श्रीफल, नारियल की जब भी हम बात करेंगे तो राहु के लिए श्रीफल की बात करेंगे, जो बजने वाले होते हैं खड़कने वाले,
उनको जल प्रवाह करना है। अब थोड़ा सूर्य को भी पावर दे रही है, क्योंकि सूर्य भी अभी खराब हो रहा है, तो तांबे के लोटे में गुड़ या गेहूं भरकर मंदिर में दान करेंगे, सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। दूसरे शहर में काम करने से इनको फायदा होता है। लग्न में अगर राहु हो, चौथा घर खराब हो, तो विदेश भाग जाना चाहिए, अच्छा होता है। पीर फकीर की दरगाह इनके घर के आसपास कोई ना कोई मिलती है, ये नेगेटिव सिम्टम है, तो इनको पीर फकीर की दरगाह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हरी चादर घर में नहीं रखनी चाहिए, चढ़ानी नहीं चाहिए। गेहूं 800 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम एवं तांबे रविवार को, यानी कि वस्तु सूर्य की वस्तु का दान, और चांदी की डब्बी में चावल डालकर अपने पास रखना, इनके लिए अच्छा रहेगा। 4 किलो जो मिट्टी के कुल्लड़ या हांडी में डालकर कच्चा दूध डालकर जल प्रवाह करें, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। राहु के फल को दूर करना है तो लेड की जगह हम इस उपाय को भी यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, तो राहु का IMP मैंने आपको मात्रण बता दिया, और अगर कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड है तो ओला हम उपाय कर सकते हैं, नहीं तो चांदी की चेन भी हम इसमें डलवा सकते हैं। कोई मेन अगर किसी को चीज अगर लगती है, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो, करते हैं हम लोग।